रमजान का कभी सोचा रमजान का मतलब क्या है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो भाई आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ और ये जो वीडियो है ये इस्लामी के रिलेटेड है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान का महीना आने वाला है और इसके रिलेटेड मौलाना तारिक जमील ने कुछ बयां जाहिर किया है, वो आप इस वीडियो में खुद ही देख लेंगे। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे अभी पेज को फॉलो कीजिए एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आप बिना टाइम को वेस्ट किए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक रोज़ा रमज़ान का कभी सोचा रमज़ान का मतलब क्या है? रमज़ान को रमज़ान क्यों कहते हैं? अल्लाह ने 11 महीनों के नाम अरबों से रखवाए और रोजे के महीने का नाम खुद रखा कुरान में, शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। मुहर्रम सफर, रबीउल अव्वल रबीउल थानी, जुमादुल अउला जुमादुल थानी, रजब शावान शवाल ज़ुलक़ादा ज़ुलहज, ये अरबों ने नाम रखा और रमजान पहले से रखा जा चुका था, अरबों से रखवाया। रमजान के लफ्ज और रोजे में क्या जोड़ है? रमजान कहते हैं जल जाना। तो इसको रोजे के साथ क्या मुनासबत है कि जब कोई मर्द औरत रोजा रखता है या रखती है तो पिछले 330 दिन के गुना, आज रोजा रखा पट्टी तैयार हो गई, गुनाह डाल के जलाओ, दूसरे दिन और गुनाह जलाओ, तीसरे दिन और गुनाह, चौथे दिन और, 30वें दिन सारे गुनाहों को अल्लाह ताला जला के राख करके ईमान वाले मर्द औरत को पाक करके साफ करके आखिरी रात कहता है जाओ बख्शे बख्शाए चले जाओ, जाओ बख्शे बख्शाए चले जाओ। तो मेरा नबी तो दो खजूर पे रोजा रखते थे। और एक बड़ा खूबसूरत वाक्य है रमजान का, कहीं से बकरे की सिरी पकी हुई आ गई तो आप बड़े शौक से खा रहे थे और साथ अरबाज़ बनो सारिया भी थे, हजरत अली भी थे और हजरत मेकदाद भी थे, तीन चार आदमी सिरी खा रहे थे। बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु आए कि या रसूल अल्लाह सिहरी का टाइम खत्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूँ, आप खाना पीना बंद फरमा दें। हमें कहा ठीक है, वो बाहर चले गए, अजान देने लगे, फिर ख्याल आया मैं देख लूं कि आपने खाना छोड़ा कि नहीं छोड़ा, वापस आए तो आप खा रहे थे। या रसूल अल्लाह वल्लाह लक़द असबहता, अल्लाह की कसम सुबह हो गई। आपने हाथ पीछे कर लिया, कहा अरे बिलाल नहीं हुई थी, तेरे कसम खाने पर अल्लाह ने पहले निकाल दिया उसकी कि तेरी कसम झूठी ना पड़े। हजरत अली ने फरमाया अगर बिलाल कसम ना उठाते तो जब तक मेरे नबी खाते रहते अल्लाह सुबह को पीछे हटाते जाते। देख पक रही थी, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन जर्रा वो देख पका रहे थे बकरा। आपने कहा अबू उबैद ये मुझे बकरे की दस्ती पकड़ाना, अगले बाजू, आपको अगले बाजू का गोश्त पसंद था, गर्दन का गोश्त पसंद था, ये कमर के पुठ का गोश्त आपको पसंद था, दूध पसंद था, बरनी खजूर पसंद थी, अजवा खजूर पसंद थी, ताज़ा रोटी पसंद थी, आप या ताज़ा खाते थे या फाका, या थोड़ी तरह नहीं 8 दिन पका के फ्रिज में ठोक दो तो कट कट के गर्म की रखो तो खाती रखो, या आप ताज़ा खाते थे या फाका फरमाते थे। एक दफ़ा फतह मक्का पर उम्मे हानी के घर आपने बासी रोटी खाई, वरना आपने हमेशा ताज़ा या फाका, या ताज़ा या फाका। कभी जिस खाने पर रात गुजर जाती उसे नहीं खाते थे, तुसी माशाल्लाह 8-8 रातों जो खाती जाते। हाँ तो कहने गए अबैद ये दस्ती पकड़ाना, तो उन्होंने ऐसे बकरे का बाजू निकाल के पूरा आपने यूं पकड़ा, नोच के फेंका, का दस्ती पकड़ाना आपने, उन्होंने यूं निकाला डोई सर आपने पकड़ा खाया, कहा मुझे बकरे का बाजू दस्ती पकड़ाना, कहा या रसूल अल्लाह बकरे की दो ही होती हैं। आपने कहा तेरा भला हो जाए अगर तू मेरे कहने पे डोई डाल देता, जब तक मैं कहते रहता अल्लाह मुझे निकाल के खिलाता रहता, अल्लाह मुझे निकाल के खिलाता रहता। अल्लाह ने रमजान भेजा हुआ है, रमजान आ रहा है,
अल्लाह की रहमतों का बर्फ, जन्नत के दरवाजे खुल गए, जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए। एक दूसरे को माफ कर दो, रोजे की हिफाजत करो। आप बहुत से बहन भाई आए बैठे हो, लड़े हुए होंगे, नाराज हो गए, मियां बीवी लड़े हुए होंगे, भाई बहने लड़ी होंगी। रमजान आ रहा है, तैयारी करो। जैसे हज पर जाने से पहले माफिया मांगते हो, रमजान से पहले भी एक दूसरे से माफी मांगो, एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे को दरगुजर करो, खुद जाके माफी मांग लो। तो ये वीडियो यहीं पे मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मेरे एफ बी पेज को फॉलो करना ना भूलना, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।